हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट की सीरीज में आपका स्वागत है भैया। बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं भैया, करंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। डेली की भांति आज भी आ गए हैं भैया। आपको पता है, कम समय में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं, तो उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है बच्चा? 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो यूनेस्को ने किया था। यूनेस्को एक संगठन है, उसी ने किया था भैया। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई भैया? तो 1982 में हुई, और किसके द्वारा हुई? यूनेस्को के द्वारा। तो नृत्य दिवस कब मनाते हैं भैया? अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है भैया ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। 29 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत किसने की? यूनेस्को ने की। कब की? तो 1982। कब किए? 1982 में किए। अब आपको पता है भारत में शास्त्रीय नृत्य, भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 है। भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 है। देखो, लोक नृत्य अलग अलग होते हैं, ठीक। लोक नृत्य जो है एक राज्य में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य फिक्स है। पहले शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भैया 7 थी, एक बढ़ गया जिसका नाम है सत्रिया। क्या नाम है? सत्रिया। तो सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन है? सत्रिया। अब टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। यदि आपने भारत का मानचित्र पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ये वाला हिस्सा तमिलनाडु है। ये कौन है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु के ऊपर क्या है? आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर उड़ीसा है, यहाँ पर मणिपुर है बच्चा, और यहाँ पर क्या है? असम। यहाँ पर कौन है? असम है। और ये क्या है? यूपी है। और ये क्या है बच्चा? केरल। क्या है? केरल। अब आपको पता होगा भरतनाट्यम, 8 शास्त्रीय नृत्यों का नाम बता रहे हैं, जिसको ना पता हो लिख लेना। भरतनाट्यम कहाँ पर है? तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ पर है? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी कहां पर है? आंध्र प्रदेश। कहां पर है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहां है? आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम कहां है? तमिलनाडु है। उड़ीसी कहां है? उड़ीसा में। उड़ीसी कहां होगा? उड़ीसा में होगा। और बात करें बच्चा मणिपुरी कहां पर है? मणिपुर में है। और बात करें सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा? सत्रिया। कौन है? सत्रिया। कहां का है? असम का। सत्रिया कहां का है? असम का। मणिपुर का मणिपुरी है, उड़ीसा का उड़ीसी है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक। अब ये आप अपने एग्जाम के लिए भैया मान लो कि ये पेपर में आएगा ही आएगा। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। कौन है? कथक। और आपको पता है कथक करने वाले थे बिरजू महाराज। अभी हाल ही में निधन हो गया, पूछा जाएगा, हाल ही में निधन हुआ बिरजू महाराज का। उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? कथक से था। किससे था भैया? कथक से। तो बिरजू महाराज का निधन हुआ, क्या करते थे? कथक। तो कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है बच्चा? तो उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। हमारे यहाँ का क्या है? कथक। और केरल की बात करें तो केरल एक ऐसा राज्य है जिसके पास 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक मोहिनी अट्टम है और एक कथकली। देखो कथक यूपी का है और कथकली कहाँ का है? केरल का। तो मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ के होंगे बच्चा? केरल के होंगे। तो ये आपको 8 शास्त्रीय नृत्य भी पता होने चाहिए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मालचा महल। देखो बच्चा, ये जो मालचा महल है, ये मालचा महल पहली चीज कहां पर है? दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। इसके निर्माण की बात किया जाए, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली का शासक था बच्चा, आपने पढ़ा भी होगा फिरोज शाह तुगलक। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो पूछा जाएगा भैया मालचा महल कहां पर है? दिल्ली। निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने कराया। जब फिरोज शाह तुगलक का दौर खत्म हुआ तो इसमें लखनऊ के नवाब वगैरह रहते थे, ठीक है ना। अब दूसरी बात किया जाए, ये चर्चा में क्यों है, करंट में क्यों है? क्योंकि ये महल एकदम अब खंडहर बन चुका था, खंडहर बन चुका था। और इस महल को पुरानी तरह से फिर से बनाने का प्रयास करेगी कौन भैया? सरकार। सरकार ने निर्णय लिया है कि इसको क्या करेंगे? दोबारा से निर्माण कराएंगे। तो ये चर्चा में आ गया है, तो इसको सरकार फिर से बनवाने जा रही है इस महल को। तो कौन सा महल है भैया? मालचा महल। कहां पर है भैया मालचा महल? दिल्ली में है। और किसका था? फिरोज शाह तुगलक का था। सरकार इसका निर्माण करने जा रही। इस समय बड़ा चर्चा में रहा है क्वेश्चन,
थल सेना, सेना से जुड़ा हुआ मामला है भैया। देखो सेना तीन प्रकार की होती है, एक हवा में उड़ती है उसको एयरफोर्स कहते हैं, जो जमीन में चलती है जिसका आर्मी वाले का हाथ है वो थल सेना है, और जो नेवी पानी में चलते है उसको क्या बोलते हैं, नौसेना या नेवी बोलते हो पानी में चलती। तो उसी कड़ी में हम बात करें थल सेना जो जमीन में चलती है। थल सेना के उप प्रमुख अभी बनाए गए हैं, थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं, BS राजू। कौन है? BS राजू बन गए हैं। थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? BS राजू। और अभी 4-5 दिन पहले आपने पढ़ा थल सेना के 29वें अध्यक्ष बने हैं कौन भैया, मनोज पांडे। कौन बने हैं? मनोज पांडे। तो दोनों प्रश्न यहां से चर्चा में है, मनोज पांडे कौन नंबर के हैं, 29वें नंबर के, थल सेना के अध्यक्ष है, लेकिन हमने कहा थल सेना के उपाध्यक्ष कौन बन गए या उप प्रमुख बोल दे कौन बन गया है, BS राजू साहब बन गए हैं। अब किया जाए अध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे है। और थल सेना दिवस कब मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं। वायुसेना उड़े वाले भैया, वायुसेना के प्रमुख कौन है, VR चौधरी। आपने सुना होगा विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी साहब है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है, R हरि कुमार है। नौसेना के कौन है, R हरि कुमार है। और रक्षा मंत्री कौन है बच्चा, कौन है यहाँ पर, राजनाथ सिंह है। और CDS एक नया पद है भैया, CDS कौन है कोई पूछ ले, तो CDS कौन है, मनोज मुकुंद है। पहले थल सेना के थे यही अध्यक्ष, अब क्या हो गए, CDS। लेकिन देश के पहले CDS कौन होंगे, बिपिन रावत साहब होंगे, जिनका हाल ही में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, वो पहले थे, ठीक है, उन्हीं के स्थान पर मनोज मुकुंद साहब बने हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इधर के प्रश्न हो गए, इधर चलते हैं। अब कह रहा कवारपन बिजली परियोजना, देखो कवारपन बिजली परियोजना अभी चर्चा में थी, ये परियोजना कहां चलाई जा रही, तो जम्मू कश्मीर। कवारपन भैया बिजली परियोजना कहां चलाई जा रही, जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही है। किस नदी पर चलाई जा रही है, चिनाब नदी। किस पर चलाई जा रही है, चिनाब नदी पर चलाई जा रही है। और किश्तवाड़ जिले में चलाई जा रही है। तो भैया पूछा जाएगा कवार बिजली, देखो कवारपन बिजली परियोजना किस जिले में चलाई गई भैया, तो किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर में चलाई गई। और सांबा जिला कल याद आया, सांबा जिला में क्या है, आयुष्मान भारत योजना 100% लागू कर दी गई, आपको पता होगा ना पढ़े थे कल। उसी तरह से जम्मू कश्मीर, और पल्ली पंचायत भी कहां की है, जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर इस समय खूब चर्चा में आ रहा है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो कवारपन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर है, किश्तवाड़ जिले में है। और इसमें क्या किया जाएगा, बिजली का उत्पादन किया जाएगा भैया। और चिनाब के बारे में बात किया जाए तो चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब जो नदी है, चिनाब के बारे में बात किया जाए, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चिनाब है। अब आपको याद होगा चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे से निकलती, बारा लाचा दर्रे से निकलती है, जहां पर चंद्रा और भागा नदियां मिलती हैं वहीं से चिनाब का उदय होता है। तो हिमाचल प्रदेश में बारा लाचा दर्रे से कौन निकलती है, चिनाब। कौन निकलती है, चिनाब निकलती है। और चिनाब किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु की। किसकी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन भैया, चिनाब। और चिनाब कौन सहायक है, तो झेलम नदी किसकी सहायक है, चिनाब की। रावी किसकी है, चिनाब की। ये दो नदियां किसकी सहायक हो जाएंगी, चिनाब नदी की। आगे चलते हैं, जानकारी पूर्वक वाले क्वेश्चन है। कह रहा अंतरराष्ट्रीय, हाँ इधर कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 338 में है। कहां पर है, अनुच्छेद 338 में है बच्चा। ये एक संवैधानिक पद है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में होता है भैया, वो संवैधानिक पद होता है। तो अंतरराष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजय सांपला बने। कौन बने हैं, विजय सांपला। यही पहले भी थे बच्चा, लेकिन ये चले गए थे चुनाव लड़ने। ये क्या हुआ भैया, ये चुनाव लड़ने चले गए, जब वापस चुनाव लड़के आए पंजाब से, इनको पुनः बना दिया गया। तो विजय सांपला क्या बन गए हैं भैया, तो ये विजय सांपला बन गए हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के, क्या बन गए हैं, अध्यक्ष, पुनः बना दिए गए। अब अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख कहां पर है, 338 में है। और बात किया जाए कैसा पद है, संवैधानिक पद है। कैसा है, संवैधानिक पद है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, अजय कुमार शूद्र है। कौन है, अजय कुमार शूद्र साहब है। भारत के वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, अजय कुमार शूद्र जी हैं। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा देने की शुरुआत किसने की है, मुंबई। किसने की है, मुंबई। 100% डिजिटल बस सेवा, बस में सब कुछ होगा, 100% डिजिटल बस सेवा देने वाला कौन राज्य बन गया, मुंबई बन गया। और मुंबई में एलिफेंटा द्वीप है और सालसाट द्वीप है। कौन
कौन सा सेल साठ द्वीप है, और आपको पता है आप कमेंट करके ये बताना है कि मुंबई शहर किस द्वीप पर बसा हुआ है, मुंबई शहर किस द्वीप पर बसा हुआ है। तो ये थे बच्चा आज के करंट के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको पता है सुबह करंट का वीडियो मिलता है, शाम को आपको साइंस का वीडियो डेली मिल रहा है जिसमें पाचन तंत्र आधा खत्म हो चुका है, चैप्टर जो चल रहा था आज समापन हो जाएगा, और दूसरी ओर आप देख रहे हो कि डेली 9 बजे रात को लाइव क्लास आती है। तो सभी से अनुरोध है कि लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ने का प्रयास किया करें। जुड़ने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।